गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है अगस्त 26, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह है फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स यहां पे करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, काफी पुराना टॉपिक है, पिछले साल का टॉपिक है, जिसका नाम है पेगासस। तो पेगासस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक काफी अच्छा टॉपिक है, आज इसको हम लोग कवर करेंगे किसी टॉपिक के थ्रू। और ये होता क्या है तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह कैसे हो सकती है, उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। क्योंकि झारखंड के अंदर वहां के जो सीएम हैं उनके रिगार्डिंग जो है ये न्यूज था। फॉरेक्स ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। INS विक्रांत, तो इंडिया का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, बेसिकली हम लोग फाइनली उसको हमारी नेवी के अंदर कमीशन करने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त और बड़ी न्यूज है, हमारे इंडिया के डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करेगा। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू PMLA, PMLA को, सारे PMLA को नहीं, लेकिन मतलब PMLA आप समझ रहे हो ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको लेके काफी ज्यादा यू नो डिस्प्यूट होता है एक्सपर्ट्स के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो PMLA के कुछ प्रोविजंस को रिव्यू कर सकता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। वो रिव्यू कौन कौन से हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। इंडिया USA एक नया ड्रिल करने वाला है, उसके बारे में चाइना ने थोड़ा यू नो एक बयानबाजी दिया, स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। सब्सिडी एंड फ्रीज, ये आज का एडिटोरियल सेक्शन है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही अच्छा खास जबरदस्त एडिटोरियल सेक्शन है, लेकिन आज एडिटोरियल में कुछ खदमदार आया ही नहीं था, कुछ पॉलिटिकल न्यूज थी, रोहिंग्याज को लेके था, जिसके बारे में ज्यादा हमें जानने की जरूरत है नहीं, जितना होना चाहिए उसको हम लोग कर चुके हैं। लेकिन जितने भी एडिटोरियल आज आए हैं द हिंदू में, उसमें मुझे लगा ये थोड़ा सा हमारे लिए कुछ हो सकता है सब्सिडीज को लेके। फ्रीबीज पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, सब्सिडी वाले एस्पेक्ट में थोड़ा फोकस कर सकते हैं। फिर हमारे पास कुछ MCQs भी हैं और कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैं जो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले पहले तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। लाइक करे बिना कोई भी एस्पिरेंट आगे नहीं जाएगा, पहले लाइक करो। अगर आप नए हो प्लेटफॉर्म पे, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि रोज हम एनालिसिस लेके आते हैं, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको अपडेट मिलता रहेगा, राइट। लेकिन अनाउंसमेंट यहाँ पे ये है कि हम लोगों ने अभी क्या किया, 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड की अपनी NCERT का बैच लॉन्च किया है। जो भी स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये वाला लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए, फॉर्म फिलअप करिए, एडमिशन यहाँ पे जाके आप ले सकते हो। 11 तारीख से जो शुरू होने वाला है, पॉलिटी से शुरू होगा, ज्योग्राफी होगा, सारी NCERT बेसिकली अभी कवर करेंगे और बेसिक्स आपके पूरे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। आप सबको पता है कि बेसिक्स के बिना आगे की पढ़ाई बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों पहला जो टॉपिक है आज है वो पेगासस के बारे में। देखिए पेगासस जो है एक मालवेयर नहीं है, पेगासस जो है एक स्पाईवेयर है। आप ये भी कह सकते हो कि मालवेयर एक स्पाईवेयर का ही पार्ट होता है, लेकिन स्पाईवेयर इज अ डिफरेंट। थोड़ा सा आज हम लोग बात करेंगे कि आपके जो डिवाइसेस वगैरह हैं वो उसको कितने तरह से अटैक उसको किया जा सकता है। तो पिछले साल का ये न्यूज है, और पिछले साल एक्चुअली इसराइल की एक कंपनी है और वहां से एक स्पाईवेयर वो बनाती है जिसका नाम है पेगासस। इसके थ्रू क्या होता है, आपके जो मोबाइल फोन वगैरह होते हैं उसमें, जैसे व्हाट्सएप होता है या मैसेजिंग सर्विस वगैरह होती है, उसके थ्रू आपके मोबाइल में वो वायरस चला जाता है, ठीक है। इस वायरस की सबसे बड़ी खास बात यह है, देखिए नॉर्मली वायरस कैसे होते हैं, आपके पास एक लिंक आता है व्हाट्सएप पे या मैसेज आता है, कोई ईमेल आता है, आप उसके ऊपर जब क्लिक करते हो तो वायरस एक्टिव हो जाता है। लेकिन ये बड़ा खास था, ये पेगासस की खास बात यह है कि भैया आप इस पर क्लिक करो या ना करो, ये आपके मोबाइल में आ ही जाता है अगर आपको टारगेट किया गया है तो। तो दुनिया भर से बहुत सारे जर्नलिस्ट को, बहुत सारे पॉलिटिशियंस को, साइंटिस्ट लोगों को यहाँ पे इसके थ्रू अटैक किया गया था। इंडिया में भी काफी सारे केस आए थे, तो 29 डिवाइसेस ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में अटैक किए गए थे, और ऐसा आरोप लगाया जाता है गवर्नमेंट के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, उसने इसराइल से ये पेगासस खरीदा था। हालांकि गवर्नमेंट ने इसको डिनाई नहीं किया है, पहली बात यह है, गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कहा कि हम लोगों ने नहीं खरीदा है, गवर्नमेंट मानती है कि खरीदा है, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि उन्होंने 29 जर्नलिस्ट को, पॉलिटिशियंस को उन्होंने अटैक किया है इसके थ्रू। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो 29 मोबाइल फोन्स वगैरह हैं हम इनको चेक करेंगे, इनकी जांच करेंगे। तो भैया वो जांच इतने समय से चल रही थी, तो उस जांच में सामने ये आया है कि आउट ऑफ 29 मोबाइल फोन्स ओनली 5 मोबाइल फोन्स आर अटैक्ड, ठीक है। लेकिन क्या वो पेगासस का अटैक है ये नहीं पता, हाँ उसके अंदर कुछ ना कुछ मालवेयर तो था लेकिन पेगासस था ये नहीं पता। देखिए पेगासस की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है, ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है। अगर किसी को शक हो जाता है कि उसके मोबाइल फोन में पेगासस है, तो इसकी प्रोग्रामिंग ऐसे बनी हुई है, वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है और पीछे भैया कोई भी प्रूफ नहीं छोड़ता है। बड़े से बड़ा 30 मार खान आ जाए वो बता ही नहीं सकता आपके मोबाइल में पेगासस है, यही तो इसकी सबसे खास बात है। तो और वैसे भी 1 साल हो गया उन बातों को, तो है ना,
इतने पुरानी चीज हो गई है तो डेफिनेटली प्रूफ थोड़ी ना मिलेगा, तो वो थोड़े थोड़े मामला यहाँ पे है। तो उन्होंने कहा है कि 5 मोबाइल फोन के अंदर कुछ ना कुछ मिला है, लेकिन क्या वो पेगासस है उसकी हम लोग गारंटी नहीं दे सकते हैं। बस इतना सा मामला था। लेकिन कई तरह के साइबर अटैक आपके ऊपर हो सकते हैं और आपके ऊपर लगातार होते भी रहते हैं, तो 5-6 तरह के जो है साइबर अटैक हो सकते हैं, जिसमें पेगासस भी एक है जो कि स्पाईवेयर है। स्पाई समझते हो ना, स्पाई को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो जासूस होते हैं, बेसिकली आपकी डिवाइस की जासूसी करने के लिए आपके मोबाइल फोन वगैरह में, लैपटॉप वगैरह में डाला जाता है। आप क्या ईमेल पढ़ रहे हो, किसको ईमेल कर रहे हो, किसको मैसेज कर रहे हो, किसको इमेज फॉरवर्ड कर रहे हो, आपकी सारी वो डिटेल ये लेता रहता है स्पाईवेयर, ठीक है, जांच करता है और वो इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को देता है जिसने आपके मोबाइल फोन वगैरह के अंदर वो अटैक उसको मतलब उसको अंदर डाला हुआ है, ठीक है। तो एक तो मालवेयर हो गया, तो एक तो सॉफ्टवेयर होता है, एक मालवेयर होता है। मालवेयर का मतलब क्या होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो मलिशियस होता है, ठीक है, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, वॉर्म वगैरह, वायरस, ये सब मालवेयर ही होता है। मालवेयर में देखिए, जिस भी वर्ड के अंदर आगे माल लग जाता है, MAL, तो समझ लो वो नेगेटिव सेंस में ही होता है। माल फंक्शन, माल न्यूट्रिशन, मालवेयर, मलिशियस, तो MAL इसका अगर प्रीफिक्स का मतलब ही होता है कि खराब, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई। एक होता है फिशिंग, देखिए वो वाला फिशिंग अलग होता है, लेकिन एक्चुअली दोनों का काम एक ही होता है। इस फिशिंग में फिशिंग कैसे करते हैं, एक कांटा होता है ना, तो उस कांटे के अगर कोई कीड़ा वगैरह होता है उसको हम लोग पानी में डाल देते हैं, तो मछली में क्या करती है, उस कीड़े के खाने के चक्कर में आती है और बेचारी यहाँ पे फंस जाती है, उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ये भी कुछ कुछ उसी तरह का फिशिंग होता है, लेकिन ये फिशिंग वैसे वाला फिशिंग नहीं है। इस फिशिंग में ना हम लोग फंस जाते हैं। कई बार क्या होता है, हमें कोई ईमेल आता है या किसी वेबसाइट के थ्रू आपको कोई मैसेज आता है, तो वो दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट ईमेल होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज होगा। जैसे ही आप उस कांटे पे फंसते हो, उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो, तो आपके फोन के अंदर या आपके डिवाइस के अंदर अटैक हो जाता है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह चोरी कर ली जाती है, इसे फिशिंग कहते हैं। कई बार आपका अकाउंट नंबर वगैरह भी चोरी हो जाता है, ठीक है। एक होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, एक होता है मैन इन मिडल, MITM इसको बोलते हैं, ऐसा अटैक होता है जिसमें क्या होता है, आपकी बातों को कोई और सुन रहा होता है, ठीक है, ईज ड्रॉपिंग जैसे करते हैं ना, जैसे किसी पड़ोस के घर में अगर लड़ाई चल रही है तो हमारे घर वाले क्या करते हैं, वो दीवार से कान लगा लेते हैं, ईव्स ड्रॉपिंग करते हैं, उनकी बातें लगातार सुनते रहते हैं, ठीक है। तो ये ईव्स ड्रॉपिंग टाइप का होता है। तो दो पार्टीज के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो जो मिडल मैन होता है ना, ये उसको सुनते रहते हैं। क्रॉस साइट एक स्क्रिप्टिंग होती है जिसमें कुछ मलिशियस कोड वगैरह किसी वेबसाइट वगैरह के अंदर डाल दिया जाता है, और ये वैसे वेबसाइट को अटैक नहीं करते हैं, उस वेबसाइट को यूज करने वाले जो आदमी होते हैं ना, उनको अटैक करते हैं। तो ये थोड़ा काफी सोफिस्टिकेटेड टाइप का होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें होती हैं। सोशल इंजीनियरिंग तो बहुत आसान सही है, एक तो ये तो ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, बेसिकली कोई ना कोई इंसान दूसरी तरफ बैठा रहता है, वो आपको अपनी बातों में फंसा लेता है, ठीक है, फेसबुक वगैरह के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ऐसी चीजें होती हैं, है ना। कोई इंसान आपसे जेन्युइन बन के बात करता है, लेकिन फिर आपसे वो इंफॉर्मेशन वगैरह निकाल लेता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, है ना, वो सब चीजें यहाँ पे रहती हैं। चलिए, आज का तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, वो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऐसी बात नहीं है, पहले हम लोगों ने इसको किया हुआ है, आज फिर से कर लेते हैं। देखिए, बात ये आती है कहाँ से, झारखंड से। तो झारखंड के जो CM है उनका नाम है हेमंत सोरेन, जिनकी पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे हो। तो हेमंत सोरेन जी ने क्या किया, अब ये CM तो है ही, लेकिन वहां का जो झारखंड का माइनिंग जो पोर्टफोलियो था, ठीक है, वो इनके पास था, समझ रहे हो ना, मतलब ये माइनिंग मिनिस्टर थे भाई साहब, माइनिंग मिनिस्टर। अब हुआ ये कि जब ये CM थे तो इन्होंने माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपनी ही कंपनी को दे दिए, सोच रहे हो ना, ये खुद माइनिंग मिनिस्टर थे और माइनिंग का टेंडर जो है अपनी खुद की कंपनी को ही दे दिया। ये होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये होता है अपनी पावर का मिसयूज। देखिए, एक चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं ड्यूटी, और एक होता है जिसे कहते हैं इंटरेस्ट। तो इनकी ड्यूटी क्या है, इनकी ड्यूटी ये है कि पावर का मिसयूज ना हो, ठीक है, लेकिन ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट में अपनी ड्यूटी को भूल गए और अपनी पावर का मिसयूज कर दिया। माइनिंग मिनिस्टर होते हुए इनकी ड्यूटी ये थी कि जो भी माइनिंग वगैरह का टेंडर होता है वो न्यूट्रल तरीके से होना चाहिए, किसी की भी फेवर नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट ने क्या कहा कि भैया फायदा उठा लो, रोज मिनिस्टर थोड़ी बनते हो, कभी कभी बनते हो तो फायदा उठा लो। तो इन्होंने वो सब चीजें यहाँ पे किया, इट्स अ फैक्ट, ऐसा हुआ था।
लेकिन क्या ये इसकी वजह, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का तो सीधा सीधा सा यहाँ पे वायलेशन हुआ ही है ऑफ कोर्स, है ना। अब बात ये है कि इसकी वजह से क्या इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, उसके ऊपर बेसिकली सवाल है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर ये पावर होती है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की जब कंप्लेंट होती है तो उसकी जांच करता है। जांच वगैरह करने के बाद अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है कि हाँ एक्चुअली में ये चीज हुई है, तो वो गवर्नर को रिपोर्ट भेज देते हैं। तो इस समय गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजी गई है गवर्नर को। अब उसकी रिपोर्ट के अंदर क्या है ये किसी को नहीं पता, हो सकता है कि इनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए। आपको एक तो ये पता होना चाहिए बेसिक जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, वो हमारा कवर करता है आर्टिकल 102, और जो एमएलए के लिए किया जाता है वो होता है आर्टिकल 191। अगर आपको आर्टिकल याद करने का थोड़ा शौक है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इनके तहत किसी को भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। उस डिस्क्वालिफिकेशन में जो है दो तीन क्रिटेरिया होते हैं कि जिसके बेसिस पे एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। उन एक क्रिटेरिया से में से होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का क्रिटेरिया। देखिए बाकी दोनों क्रिटेरिया जानने की हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज का टॉपिक है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो अगर कोई पॉलिटिशियन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है तो उसकी वजह से उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 102 एंड आर्टिकल 191। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात यहां पे ये है कि हमारे पास जो पार्लियामेंट प्रिवेंशन डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1951 इसके बारे में बात करता है, और बेसिकली इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। इस देखिए हमारे पास एक डॉक्ट्रिन होती है जिसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर होता है। इसमें क्या रहता है कि जो लेजिस्लेचर्स होते हैं और जो एग्जीक्यूटिव्स होती हैं, जो जुडिशरी होते हैं, वो एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगी, अपना अपना काम अलग से करेंगे। अब यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो इसी को इंटेक्ट करने के लिए बनाया गया था कि भैया जो लेजिस्लेचर मतलब जो कानून बनाने वाले हैं और एग्जीक्यूटिव है वो अलग से होने चाहिए। अब जो भाई साहब जो मिनिस्टर साहब थे मतलब माइनिंग मिनिस्टर, तो एग्जीक्यूटिव हो गए ना, एग्जीक्यूटिव हो गए, और एज ए एमएलए ये लेजिस्लेचर हो गए, राइट। तो इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर वाली जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसका वायलेशन भी किया है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो मतलब एक ऐसे पद पे रहते हुए इन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो सारी चीजें की हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन की है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए, लेकिन यूजली आप ये कह सकते हो जब कोई बड़ा ऑफिस होल्डर होता है, कोई नेता हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जब अपने पर्सनल गेन के लिए, पर्सनल एडवांटेज के लिए अपने पद का मिसयूज करता है, उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम कुछ फैक्टर्स ऐसे बताए हैं जिसकी वजह से आप ऑफिस ऑफ क्राइटेरिया ऑफ प्रॉफिट को थोड़ा देख सकते हो, ठीक है। कि जैसे जहाँ पे कोई गवर्नमेंट होती है जब अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, जैसे यहाँ पे ये खुद चीफ मिनिस्टर थे तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी थे। वेदर द गवर्नमेंट हैज द पावर टू टर्मिनेट द अपॉइंटमेंट, यस ऑफ कोर्स, यानी कि जो मिनिस्टर है माइनिंग मिनिस्टर, तो इनको टर्मिनेट करने की पावर किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास ही होती है, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड होता है। क्या उस पर्टिकुलर पद के लिए क्या सरकार से सैलरी आती है, अगर आती है तो भैया वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। उसका रिम्यूनरेशन का सोर्स क्या है, क्या वो स्टेट गवर्नमेंट से आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, कहाँ से आता है, उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो है कि नहीं, ठीक है। तो कुछ कुछ क्राइटेरिया ऐसे होते हैं जिसके तौर पे आप ये कह सकते हो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है। जैसे मान लो कोई नेताजी हैं, ठीक है, अगर वो नेताजी हैं और उनके पास पावर है कॉन्ट्रैक्ट देने की कि वो किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, जैसे मान लो कोई अगर हाईवे, मान लो कोई रोडवे मिनिस्टर ही हैं, ठीक है, रोडवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, अब उनके पास पावर होती है वो कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। तो मान के चलो कल को नितिन गडकरी जी अगर अपने ही किसी फैमिली वाले को कॉन्ट्रैक्ट दे दें, ठीक है, तो ये क्या, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ये हो गया ना, तो मिसयूज हो गया ना पावर का। और हो सकता है जिस कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट दें उसके अंदर भैया वो खुद ही स्टेक होल्डर हों, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर किसी कंपनी के अंदर कोई नेता अगर स्टेक होल्डर होता है और उस नेता के रहते हुए इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो वो भी एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, समझ रहे हो बात। जैसे मान लो कोई गवर्नर होते हैं, ठीक है, गवर्नर होते हुए अगर वो मान लो किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं और उस प्रोफेसर को जो सैलरी आ रही है वो गवर्नमेंट से आ रही है, ये भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है। क्योंकि एक तरफ तो गवर्नर है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, दूसरी तरफ से भाई उनको सैलरी भी गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, तो दो दो सैलरी ले रहे हैं, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो होगा ही होगा। तो ऐसे कुछ कुछ कंडीशन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे पीरियड ऑफ टाइम इनको डिफाइन किया हुआ है।
तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेके। ऑलरेडी 2019 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में, तो इसलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया था। आप क्लियरली इसको पढ़ सकते हो, स्क्रीन को पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर दे सकते हो, ठीक है। दूसरा हमारे यहाँ पे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, क्योंकि आज के टॉपिक में गवर्नर भी थोड़ा सा न्यूज में था, तो गवर्नर की ऑफिस के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है आप उसको आराम से, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऊपर वाला थोड़ा सा मीडियम लेवल का हो सकता है टफनेस के हिसाब से, नीचे वाला तो एक्सट्रीमली इजी है। तो एक्सपेक्ट करता हूं कि आप में से सभी लोग इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फॉरेक्स बफर्स एम्पल टू टैकल साइक्लिकल डिफिकल्टी, S&P ग्लोबल ने कहा है। देखिए S&P क्या है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट एजेंसीज में इसको गिना जाता है। तो दुनिया भर की जो भी कंट्री की परफॉर्मेंस वगैरह होती है ये उसको टैकल करते रहे, उसको देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, उसके बेसिस पे उस कंट्री को रेटिंग प्रोवाइड कराते हैं। जैसे हम लोग फिल्मों को रेटिंग देते हैं ना, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, इसी तरह से ये भी देते हैं, AAA AA+ B+ BBB- इस तरह की रेटिंग कुछ होती है। जैसे स्कूल में टीचर हम लोगों को देते थे रेटिंग ना, वैसे वैसा होता है। एम्पल का मतलब होता है कि भरपूर मात्रा में, अबंडेंस में। तो इन्होंने कहा है कि इंडिया का जो फोरेक्स है, फोरेक्स मतलब ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो हमारे RBI मेंटेन करता है, तो इन्होंने कहा है कि डरने की कोई बात नहीं, इंडिया के पास काफी है और इंडिया की इकोनॉमी अभी बहुत ज्यादा डाउनफॉल में नहीं जा सकती क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इतना बफर बना हुआ है। देखिए इंडिया के पास जो है 650 बिलियन के आसपास जो है फॉरेन रिजर्व था, हालांकि अभी घट गया है, 570 बिलियन के आसपास हो गया है, लेकिन 570 बिलियन भी बहुत अच्छा होता है। तो 8-10 महीने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो ऐसा किसने कहा है, S&P ग्लोबल ने कहा है। और जब इतनी बड़ी क्रेडिट एजेंसी किसी कंट्री के बारे में ऐसी बात करती है तो उस कंट्री की एक पॉजिटिव इमेज जो है पूरी दुनिया में जाती है और इन्वेस्टर्स वगैरह उस कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो कोई चिंता करने की हमें बिल्कुल भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। हर 10 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद, हर महीने के बाद RBI की रिपोर्ट आती है। वैसे तो डेली आती है, फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व की वो बताते हैं कितना है, तो उसको आप लोग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, रोज रोज कौन याद करेगा यार। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर बेसिकली होता क्या है। पहली बात तो सेंट्रल बैंक इसको जो है मेंटेन करता है। हाँ, सेंट्रल बैंक का मतलब यहाँ पे RBI है, ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर कई सारी चीजें हो सकती हैं, तो 4 बेसिकली बड़े बड़े कंपोनेंट होते हैं इसके। पहला होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स, दूसरा होता है गोल्ड रिजर्व, गोल्ड तो आप समझ ही गए होंगे, सोना, सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, तो ऐसा ही है। अगर RBI के पास सोना ज्यादा हो जाता है तो हमारी कंट्री बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इमेज आती है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट होता है जिसे हम लोग SDR बोलते हैं, और रिजर्व पोजीशन विद IMF होता है, इसे रिजर्व ट्रांच भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, आप ट्रांचे भी बोल सकते हो इसको। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। फॉरेन करेंसी एसेट का मतलब, देखा एसेट का मतलब क्या होता है, जैसे जिसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है टाइम टू टाइम, है ना, डिपेंड करता है टाइम सप्लाई डिमांड के हिसाब से। जैसे आपने कोई जमीन खरीदी तो वो आपका एसेट है, आपने कोई गाड़ी खरीदी वो आपका एसेट है। तो जैसे कोई ट्रेजरी बिल्स होते हैं, है ना, अमेरिका के कोई ट्रेजरी बिल हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह होती हैं, जो बॉन्ड वगैरह होते हैं, वो आपके सब एसेट होते हैं। गोल्ड तो आपको सबको पता ही है। SDR और रिजर्व ट्रांस के बारे में हम लोग पहले अच्छे से बात कर चुके हैं, तो ये कंटेंट मैंने आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए डाला हुआ है। आप इकोनॉमी के बेसिक्स जब पढ़ते हो तो आपको ये, जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, आप इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हो। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स बेसिकली जैसे जो IMF के जो मेंबर कंट्रीज होते हैं, ठीक है, जो तो IMF का मेंबर बनने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन फीस लगता है, जैसे नेटफ्लिक्स का लगता है ना, फ्री में आपको मेंबरशिप नहीं मिलता है। तो जो भी मेंबर कंट्री होते हैं IMF में, तो उनको एक सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती है, जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स, जिसे हम लोग कोटा कहते हैं, ठीक है, कोटा। तो ये सब्सक्रिप्शन फीस जो है सबके लिए बराबर नहीं होती है। तो जो कंट्री बड़ी होती है, जिसकी इकोनॉमी ज्यादा अच्छी होती है, इंटरनेशनल ट्रेड में उसका पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है, उनका कोटा ज्यादा होता है, जैसे अमेरिका वगैरह का कोटा काफी ज्यादा है, यहाँ पे इंडिया का कोटा थोड़ा कम है। तो उस कोटे के हिसाब से हर कंट्री को वहां पे कुछ स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स मिलते हैं। ड्रॉ आप समझ रहे हो ना, ड्रॉ करना, जैसे विड्रॉ करते हैं पैसा। तो ये जब आप IMF से पैसा लेते हो तो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के थ्रू लेते हो। आपको आपको जो है रुपीज में या चाइनीज करेंसी में, जैपनीज करेंसी में पैसा नहीं मिलता है आपको, जब IMF से पैसा मिलता है लेते हैं हम लोग, जैसे मान लो पेमेंट ऑफ क्राइसिस हो आपके पास कुछ हो गया, तो आपको स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में वो पैसा मिलता है, ठीक है। तो ये अलग तरह के राइट्स होते हैं, ये कोई करेंसी नहीं होती है। जो कुछ करेंसी हमारे पास होती है उनका एवरेज होता है, इसे कहते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। थोड़ा आपको ज्यादा पढ़ना है अच्छे से तो आपको यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो इसके बारे में, गूगल कर सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर की 5 मिनट की 2 मिनट की टॉपिक में तो हम लोग ये सब नहीं कर सकते। थोड़ा सेल्फ स्टडी के लिए मैंने डाला हुआ, पढ़ सकते हो। ऐसे ही हमारे पास एक रिजर्व पोजीशन होती है। तो हर कंट्री जब कोटा
आईएमएफ के अंदर देती है अपने कंट्री के कोटा के हिसाब से, तो जब मजबूरी होती है उस कंट्री की, जैसे भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अपने ट्रांच के हिसाब से वहां पे पैसा मांगते हैं, तो जितना भी पैसा आप देते हो आईएमएफ के अंदर उसका कुछ परसेंटेज आपको वापस मिल जाता है। तो एक तरह का ये जो है ना एक इमरजेंसी फंड टाइप का होता है, जैसे गुल्लक हमारा होता है ना, पिगी बैंक टाइप का। तो इमरजेंसी वाली सिचुएशन में आईएमएफ अपने मेंबर कंट्री को हेल्प करता है, और रिजर्व ट्रांच के लिए आपको कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती हैं। आपको पता है ना कि जब आप आईएमएफ से पैसा लेते हो तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं, लेकिन रिजर्व ट्रांच वाले मेंबर कुछ भी फुलफिल नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपने ही वहां पे पैसा दिया, आप वहां से वापस ले रहे हो, लेकिन एसडीआर के लिए आपको जो है टर्म्स एंड कंडीशंस जो है फॉलो करनी पड़ती हैं। तो थोड़ा थोड़ा इनमें फर्क होता है, तो इसको क्लियरली जाकर पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंस क्या होती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, तो सीधी सी बात है भैया, जब किसी कंट्री के अंदर फॉरेन करेंसी होती है, एसेट्स होते हैं, डॉलर होता है, तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। क्राइसिस के टाइम भी आप क्राइसिस को मैनेज कर सकते हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले क्राइसिस में अगर आपके पास डॉलर होगा तो आप अच्छे से इंपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि इंपोर्ट के लिए तो आपको रुपये में तो पैसा नहीं चुकाओगे ना, इंपोर्ट के लिए डॉलर में पैसा देना पड़ता है, आपके पास डॉलर होगा तो इंपोर्ट कर पाओगे। जैसे ऑयल की बात करें, अगर डॉलर ही नहीं होगा तो क्रूड ऑयल कैसे इंपोर्ट करोगे। तो सोच के देखिए, जैसे मान लो आप पाकिस्तान का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 8 से 9 बिलियन डॉलर ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा हुआ है। अब कल को इंडिया पाकिस्तान का जो है युद्ध हो जाता है तो क्या होगा, तो पाकिस्तान को उसके लिए तो ऑयल खरीदना पड़ेगा ना, गैस खरीदनी पड़ेगी। अगर आपके पास ऑयल ही नहीं होगा तो आपके टैंकर वैंकर क्या करेंगे, रखे रखे सड़ जाएंगे, जब उनके तेल ही नहीं होगा तो चलेंगे कैसे। तो युद्ध वगैरह की सिचुएशन में जब कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो बहुत आपको आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वही काम आता है, क्योंकि उससे आप जो है विदेशी सामान खरीद सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, क्रूड ऑयल हो सकता है, वेपन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है ना क्राइसिस मैनेजमेंट वगैरह करना हुआ, जब करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन चली जाती है, जैसे रुपी और डॉलर की वैल्यू की हम लोग बात करें, तो रुपी की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए जो है इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का आरबीआई टाइम टू टाइम यूज करता रहता है। और अगर किसी कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छा खासा होता है तो उसकी मार्केट में कॉन्फिडेंस भी बना रहता है ना, तो विदेशी लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि इसमें S&P ने कहा था, राइट। चलिए, तो 2013 में ऑलरेडी जो है यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइटम्स इंक्लूड द इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर क्या क्या होता है, बहुत ही इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है ये, आसानी से कर सकते हो। तो नीचे कमेंट सेक्शन में सभी ने मुझे आंसर इसका बताना है। 2021 में ऑलरेडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसलिए डाला हुआ है क्योंकि अगला टॉपिक जो है हम लोग PMLA वाला करने वाले हैं, तो इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हमारे पास PMLA एक्ट है, ED वगैरह वो सब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आपने देख लेना है अपने नोट्स के हिसाब से, पहले PMLA वाला टॉपिक कर लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये वाला टॉपिक हम थोड़ी देर में करेंगे, विक्रांत वाला। तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू PMLA ऑर्डर ऑन टू आस्पेक्ट्स। देखिए सिर्फ टू आस्पेक्ट, PMLA के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, उन सभी से हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उसके दो प्रोविजन ऐसे हैं जिसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करने वाला है। PMLA का मतलब है दोस्तों प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको बहुत अच्छे से पता है इसका, ठीक है। ये एक्ट जो है जब भी हम लोगों ने पास किया था इसका मेन पर्पस क्या था कि भैया मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है और जो ब्लैक मनी है उसको रोकना है ना, जो क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू क्या होता है काला धन को सफेद बना दिया जाता है, उसको रोकने के लिए हम लोगों ने इस कानून को बनाया था। और एनफोर्स कौन करता है, एनफोर्स करता है इसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो जब किसी के ऊपर कार्रवाई करता है तो PMLA के तहत ही वो उसके ऊपर कार्रवाई करता है, ठीक है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए। अब PMLA के अंदर है बहुत सारे सेक्शंस, एक चीज आपको ये भी पहले से पता है अच्छे से कि PMLA अगर किसी के ऊपर लग जाता है ना एक बार तो भैया बेल मिलना आसान नहीं है, बेल मिलना लगभग लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, वो बात अलग है। आप यहाँ पे जो क्या करने वाले हैं, जिन दो प्रोविजन की हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए एक छोटी सी चीज होती है दोस्तों जिसका नाम होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ। अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ ना अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे मान लो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, यहाँ पे कोई आदमी है XYZ, उसने जो है किसी का मर्डर कर दिया, अब मर्डर करने के बाद पुलिस उसको पकड़ के लेके जाएगी, ठीक है, जेल में डेल के जाएगी, उसके ऊपर इंटेरोगेशन करेगी, सब कुछ होता है। अब यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ ना वो पुलिस के ऊपर है, पुलिस को ये प्रूफ करना है कि ये मर्डर इसी आदमी ने किया है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके हुआ, पुलिस के ऊपर हुआ, उस आदमी के ऊपर नहीं हुआ, वो तो बोलेगा मैंने मर्डर किया नहीं, मुझे तो झूठ मूठ का फंसाया जा रहा है। पुलिस के ऊपर ये एविडेंस कलेक्ट करना वो सब कुछ होता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है पुलिस के ऊपर। लेकिन अब इसका उल्टा सिनेरियो समझ लीजिए, आप जो है अपने घर में आराम से सुबह सुबह
न्यूज़पेपर एनालिसिस देख रहे थे, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, आपके घर पे छापा पड़ा, रेड पड़ी और आपके घर से जो है 50 करोड़ रुपए का कैश मिला, आपने अलमारी में रखा हुआ था उसको कैश को, 2,000 के बढ़िया बढ़िया करारे करारे नोट, अब आपके ऊपर पड़ गया छापा, ईडी का छापा पड़ गया। अब जब आपसे पूछा ईडी ने कि भैया पैसा आया कहां से, आपके पास कोई जवाब नहीं है, तो पुलिस आपको पकड़ के लेके जाएगी सीधा सीधा। तो जब ऐसे केस में पुलिस पकड़ लेती है तो आप उसी समय अक्यूज्ड हो जाते हो। अब बर्डन ऑफ प्रूफ ना किसके ऊपर, आपके ऊपर नहीं है, बर्डन ऑफ प्रूफ पुलिस के ऊपर नहीं है, आपके ऊपर है। कभी आपको प्रूफ करना है कि जो 50 करोड़ रुपया आया है वो किसी लीगल तरीके से आया है, इलीगल तरीके से नहीं आया है। लेकिन मर्डर वाले केस में प्रूफ किसके ऊपर था, पुलिस के ऊपर, और इस केस में किसके ऊपर है, आपके ऊपर है। आपको बताना है कि भैया ये सफेद पैसा है, ये काला पैसा नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो पीएमएलए में क्या होता है, पीएमएलए में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उस इंसान के ऊपर होता है जिसको पकड़ा जाता है। तो एक तो इस प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा कि क्या ये बर्डन पुलिस के ऊपर होना चाहिए या उस इंसान के ऊपर होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरा एक और होता है, जैसे कहीं पे एफआईआर करवाते हैं ना, एफआईआर होता है, तो कोई भी क्राइम होता है पहले एफआईआर होता है, एफआईआर होने के बाद वो केस जाता है किसके पास, मैजिस्ट्रेट के पास जाता है। अब मैजिस्ट्रेट ये डिसाइड करता है कि इसको रिमांड पे भेजना है, जुडिशियल रिमांड, पुलिस रिमांड पे, वो सब चीजें। लेकिन ईडी क्या होता है, जब ईडी किसी केस के ऊपर कार्रवाई करता है ना, तो किसी को भी अरेस्ट करता है, तो एफआईआर नहीं करता है। एफआईआर से पहले एक और डॉक्यूमेंट होता है जिसे कहते हैं एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ECIR। ये एफआईआर नहीं होता है, समझ रहे हो ना बात। और जब किसी इंसान को एफआईआर करके पकड़ा जाता है तो उस आदमी को बताया जाता है कि आपको क्यों पकड़ा है, आपके खिलाफ एफआईआर हुई है। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टर को ये लग्जरी होती है कि जब भी वो किसी आदमी को अरेस्ट करते ना, पकड़ते हैं, तो उसको बताते नहीं है, बताते ही नहीं कि तुम्हें क्यों अरेस्ट किया गया, तो पहले जेल में आओ बेटा, तुम्हें तब सारी जानकारी देंगे, ठीक है। तो क्योंकि एफआईआर है ही नहीं, तो एक ये जो ECIR है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऐसा कहा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऐसा कहा हुआ है कि जजमेंट के अंदर कि इसके तहत उस इंसान को बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ECIR कैन नॉट बी इक्वेटेड विद FIR, ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा हुआ है, 2-3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सप्लाइंग द ECIR इन एवरी केस ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड इज नॉट मैंडेटरी, मतलब उस आदमी को वो रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी मूड चेंज हो गया होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं हम तो इसको रिव्यू करेंगे। अब देखिए रिव्यू का करने का मतलब ये नहीं है कि वो उसको अपोज ही करेंगे, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेंगे, नहीं नहीं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोल दिया है कि इसमें सरकार की जो इरादे हैं ना वो नेक हैं, नोबल हैं, हम मानते हैं कि सरकार का इरादा नोबल है, हम मानते हैं कि सरकार मनी लॉन्ड्रिंग को दूर करना चाहती है, लेकिन रिव्यू करने में क्या जाता है, ये तो भैया रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू करना तो एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया ना, तो बस रिव्यू होगा, जब रिव्यू होगा, जब जो होगा तब उसके बारे में बात करेंगे। तो पीएमएलए के बारे में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है, पढ़ सकते हो, या ईडी के लिए मैंने आपकी सेल्फ स्टडी के लिए यहाँ पे ऑलरेडी कंटेंट ऐड कर दिया है, ठीक है, थोड़ा आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। पुराना आर्टिकल है, कोई नया नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा अगर आप हमारे चैनल पर लगातार एनालिसिस देखते हैं, तो नहीं देखते हैं तो आगे से देखा करो। चलिए, एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत टू बी कमीशनड ऑन September 2, ये बहुत बड़ी बात है। आपको दिखने में लग रहा होगा कि छोटा आर्टिकल है, लेकिन इतनी दमदार चीज है ना ये, इंडिया भैया दुनिया की टॉप मोस्ट कंट्री में आ जाएगा, आ चुका है बेसिकली। देखिए डिफेंस वाले मामले में ना दो टेक्नोलॉजी दोस्तों ऐसी होती हैं जो सबसे ज्यादा एडवांस होती है, एक होता है न्यूक्लियर बम बनाना और एक होता है एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना। सबसे एडवांस एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक लग जाते हैं, और इंडिया ने यह कारनामा कर दिया। एक्चुअली 2007 से ही हम लोग कोशिश कर रहे थे, 2022 आ गया है, तो 2-15 साल हमें लगे जरूर हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों ने तैयार कर लिया है। तो आप ये मान के चले कम से कम 2 साल और लग जाएंगे, 2023 के एंड में जाते जाते हम इसको प्रॉपर तरीके से कमीशन कर सकते हैं। तो 10-15 साल, 15-16 साल हमें लगे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो हम लोगों ने सोचा था वो हम लोगों ने पूरा कर लिया है। तो गिव अप नहीं किया हम लोगों ने, दिक्कत बहुत ज्यादा आई ही, लेकिन गिव अप नहीं किया। तो समझने की बात है कि एयरक्राफ्ट कैरियर को हम लोग 2nd of September से कमीशन कर देंगे, उसके बाद जो है इसकी टेस्टिंग वगैरह होती रहेंगी, ठीक है, फिर फाइनली जाके 2023 के एंड में इसको जाके कर देंगे।
एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए कैरियर का मतलब क्या होता है, कैरियर कह रहा हूं मैं, करियर नहीं कह रहा हूं, करियर तो आपका करियर होता है, सी ए आर डबल ई आर, ये होता है कैरियर, सी ए डबल आर आई ई आर। तो कई बार ट्रक और टेम्पो के ऊपर लिखा नहीं होता है गुड्स कैरियर, तो कैरियर का मतलब ये होता है कि भैया गुड्स का मतलब होता है सामान, के सामान ढोने वाला है वो टेम्पो। आपके साइकिल के पीछे नहीं होता का कैरियर जिसके ऊपर हम लोग बैठते हैं स्कूल में जाते थे, तो कैरियर किसी भी सामान को लेके जाने वाली चीज को कैरियर बोलते हैं। अब ये किसको लेके जा रहा है, देखिए कितना बड़ा एयरक्राफ्ट है, मतलब सॉरी कितना बड़ा जो है शिप है, इस शिप के ऊपर देखिए क्या है, ये है आपके प्लेन, फाइटर प्लेन है ये, और ये है इसका रनवे जहां से ये उड़ान भरते हैं, और भैया इधर आ जाती है इसकी पार्किंग है बेसिकली, ठीक है, और यहां से उड़ान भरते हैं, और ये जो है इनका पूरा रनवे टाइप का है, ठीक है, तो इसे कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। ये किसको लेके जा रहा है, एयरक्राफ्ट को लेके जा रहा है ना, तो इसलिए एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया। हमारे साइकिल पे तो हम लोग नॉर्मल आदमी को लेके जाते हैं, टेम्पो के अंदर सामान को लेके जाते हैं वो तो गुड्स कैरियर हो जाता है, एयरक्राफ्ट को लेके जाते हैं तो एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाता है। बहुत बड़ा तामझाम होता है ये, कई महीनों तक ओशंस के अंदर ये अपने अकेले से सर्वाइव कर सकता है, दो दो तीन तीन हजार लोग यहाँ पे होते हैं, अपनी खुद की इसके पास छोटा सा न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, खुद अपने आप को ही ये पूरी चीजें कर लेता है, तो उड़ान भरना, लैंड करना, टेक ऑफ करना, सब रिपेयर करना, सब इसी के ऊपर होता है, कई कई महीनों तक खुद ब खुद काम कर सकता है, समझ रहे हो ना बात, इसे कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। और ये अकेला नहीं चलता है, इसके आसपास जो है 10-20 और शिप चलते हैं छोटे बड़े, ठीक है, ताकि इसके ऊपर अटैक ना हो, तो इसको बचाने के लिए वो बहुत कुछ होता है, ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो जब हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करते हैं तो इंडिया के पास हमारा पहला भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसका नाम था INS विक्रांत, ठीक है, तो 1970 वो हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया था, और 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था बड़ा जबरदस्त काम उसने किया था, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सबमरीन थी पाकिस्तान की, उसने उसको मार गिराया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो बाद में हम लोगों ने इसको डीकमीशन कर दिया क्योंकि पुराना हो गया था, बूढ़ा हो गया था, लेकिन अभी हम लोगों ने क्या किया है, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए या कह लीजिए उसको रिस्पेक्ट देने के लिए अपना नया एयर जो एयरक्राफ्ट बनाया है ना उसका नाम भी हम लोगों ने विक्रांत रखा है ना, जैसे लोग अपने बच्चों का नाम सचिन तेंदुलकर रख सचिन रख देते थे, कपिल देव रख कपिल रख देते थे, है ना, एक उसी तरह से उसके उसको देने के लिए हम लोगों ने इसको किया है INS विक्रांत। इंडिजेनस है, हम लोगों ने खुद डिजाइन किया, खुद बनाया, किसी की भैया कोई हेल्प हम लोगों ने नहीं लिया है। अभी इंडिया के अंदर एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि वर्किंग है जिसका नाम है INS विक्रमादित्य, तो इंडियन नेवल शिप जो है, इंडियन नेवी शिप, इंडियन नेवल शिप कुछ भी बोल सकते हो, ये हम लोगों ने लिया था रशिया से, तो रशिया ने इसको डीकमीशन कर दिया था, हम लोगों ने उसका डेंटिंग पेंटिंग करवा के रिपेयर वगैरह करवा के और उसको हम लोगों ने अभी यूज कर रहे हैं। अभी खैर ये रिपेयरिंग में गए हुआ है 1.5 साल से, वर्किंग में नहीं है प्रॉपर, तो रिपेयरिंग होकर जब आएगा 2024 में तब इसको हम लोग यूज करेंगे। तो खैर अभी इंडिया के पास ये है, तो आप ये मान सकते हो कि एक है हमारे पास, दूसरा हमारे पास INS विक्रांत यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन INS विक्रांत के बारे में मैंने यहाँ पे आपके लिए एक्सट्रैक्ट कर दी है। अभी तक रशिया, चाइना, फ्रांस, USA और UK यही 5 कंट्री ऐसी हैं जिनके पास इंडिजेनस टेक्नोलॉजी थी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की, अभी भैया इंडिया के पास भी आ गई है। तो बात वही है कि अगर आप गिव अप नहीं करते हैं तो भैया कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग MiG-29 फाइटर जेट्स और कुछ हेलीकॉप्टर वगैरह डालेंगे शुरुआत में, धीरे धीरे जो है हम इसकी कैपेसिटी को बढ़ाते रहेंगे। तो एक तो पूरा था ये, दुनिया में बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तो USA के पास दुनिया में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 20 है भैया USA के पास, 20 तो पूरी दुनिया में नहीं है, अकेले अमेरिका के पास है। इंडिया के पास तो एक ऑलरेडी है हमारे पास विक्रमादित्य, और एक हम लोगों ने अभी बना लिया है, रशिया के पास सिर्फ एक है, स्पेन के पास है, ब्राजील के पास है, UK के पास 2 हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास 2 हैं, वो भी छोटे वाले हैं, हलो वाले हैं, ठीक है, इजिप्ट के पास भी 2 बहुत छोटे छोटे से हैं, चाइना के पास 3 हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और एक हेलो कैरियर है। हेलो कैरियर मतलब जिसमें हेलीकॉप्टर वगैरह होता है, तो ये बहुत बड़ा नहीं होते हैं, छोटे होते हैं। अभी चाइना बना रहा है, 5 बना रहा है नए, अपने खुद के इंडिजेनस बना रहा है, तो 2030 तक शायद वो तैयार भी हो जाएंगे। तो चाइना भी भैया मार्केट में आता है तो आपको पता ही है बड़ा धमाके के साथ आता है, तो वो बना रहा है। जापान के पास तो 4 हेलीकॉप्टर वाले ही हैं, फ्रांस के पास 4 हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, 3 हेलीकॉप्टर वाले हैं, तो इंडिया वाले ने तो जबरदस्त काम किया ही है। तो ये है थोड़ा सा एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में, आई होप आपको आर्टिकल में मजा आया होगा, समझ में आया होगा। कल हम लोगों ने 3 MCQs पढ़े थे, तीनों का इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैंने यहाँ पे डाल दी है। तो पहले वाले का जो स्टॉक एक्सचेंज के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, तो सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन होते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन से करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं
ठीक है, नंबर ऑफ शेयर जो होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक शेयर के प्राइस से, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आती है उसे बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग कैपिटलाइजेशन। तो ऐसे हम लोग इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज, तो भैया केपीओ, केपीओ इज अ पार्ट ऑफ बीपीओ, ठीक है, तो ये स्टॉक एक्सचेंज से कोई लेना देना नहीं है, ये बिजनेस एक्टिविटी वगैरह होती है, कमर्शियल एक्टिविटी वगैरह होती है, इसे बोलते हैं नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, ठीक है, तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। बाकी जो छोटे छोटे से आर्टिकल हमारे पास हैं, तो गवर्नमेंट लिमिट्स व्हीट फ्लोर एक्सपोर्ट टू द कर्व प्राइस राइज, तो सीधी सी बात है ना, आपको ये पता है कि दुनिया का 25% से ज्यादा व्हीट कौन एक्सपोर्ट करता है, यूक्रेन एक्सपोर्ट करता है, रशिया एक्सपोर्ट करता है, भैया वहां तो चल रही है लड़ाई झगड़ा, तो दुनिया में जो आटा है व्हीट फ्लोर जो है उसका प्राइस इंक्रीज हो गया है, तो इंडिया से बहुत सारा व्हीट फ्लोर हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, तो इसी वजह से हमारा डोमेस्टिक आटे की कीमत बढ़ गई थी, तो सरकार ने क्या किया उसके एक्सपोर्ट को ही बैन कर दिया, ठीक है, तो ना आटा बाहर इंडिया से जाएगा और उसका प्राइस भी नहीं बढ़ेगा, उसकी जो है वैल्यू इंटैक्ट हो जाएगी, तो ये एक तो छोटा सा को ये पता होना चाहिए। तो दिस इज वन ऑफ द टूल्स टू कर्ब इन्फ्लेशन बाय गवर्नमेंट, राइट। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे बात करते हैं वो इंडिया यूएसए ने अभी ड्रिल करने वाले हैं और उस ड्रिल का नाम है युद्ध अभ्यास, अभी हम लोग करेंगे, अगले महीने ही करेंगे, कहाँ करेंगे, उत्तराखंड के अंदर करेंगे, उत्तराखंड में एक जगह है ओली, बड़ा प्यारी जगह है, कभी विंटर में जाना चाहो तो जा सकते हो, एकदम से स्विट्जरलैंड जैसा लगता है, गूगल पे फोटो वगैरह देखना, जाने का मन करेगा आपका, बहुत शानदार जगह है, गर्मियों में भी जा सकते हो मानसून को छोड़ के, एकदम जबरदस्त ग्रासलैंड है, ऐसा लगता है पूरे के पूरे पहाड़ जो है वो घास से एकदम कारपेट से ढके हुए हैं, बड़ा शानदार जगह है, जबरदस्त, थोड़ा महंगा है बट एक्सपीरियंस करना है लाइफ में तो जा सकते हो। तो यहाँ पे भैया हम लोग युद्ध अभ्यास करने वाले हैं, तो अमेरिका से बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पे, मतलब उनके जो डिफेंस पर्सनल हैं, तो हमारे डिफेंस पर्सनल के साथ मिलके वो करते हैं, इसका नाम है युद्ध अभ्यास, और ये चाइना के बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है, तो भैया चाइना का तो मिर्ची लगना ऑब्वियस लाजमी सी बात है, तो उन्होंने कहा है कि आप ये सही नहीं कर रहे हो एंड ऑल दैट, तो हम सुनते नहीं हैं चाइना की, जैसे चाइना हमारी नहीं सुनता तो हम काहे सुने। तो युद्ध अभ्यास जो है इंडिया अमेरिका का जो है लार्जेस्ट अब रनिंग जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, 2004 में हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था, पिछले साल ये एक्चुअली अलास्का के अंदर हुआ था अमेरिका में, इस बार जो है इंडिया के अंदर होगा, अगली बार फिर से अमेरिका के अंदर होगा, तो बटालियन लेवल पे हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, अमेरिका के साथ और भी कई सारी एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्सरसाइज टाइगर ट्रंप, एक्सरसाइज वज्र प्रहार, एक्सरसाइज कोप इंडिया, मालाबार एक्सरसाइज में तो 4 कंट्री होती हैं जिसमें वन ऑफ द कंट्रीज यूएसए, एंड द रेड फ्लैग, यूएसए मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज होती है, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इंडिया अमेरिका की जो डिफेंस हिस्ट्री रही है उसके लिए मैंने ब्राउनी पॉइंट्स, मतलब आपके सेल्फ स्टडी के लिए डाल दिया है कंटेंट थोड़ा सा, कमकोसा, लिमोवा, बेका वगैरह, इसके बारे में आप अलग से पढ़ सकते हो, अच्छा कंटेंट है, थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप डेफिनेटली इसको पढ़ सकते हो। तो इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप के बारे में कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पे डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो, काफ़ी क्रूशियल है। आज का जो एक छोटा सा और नॉट सो इम्पोर्टेंट जो एडिटोरियल है वो है अबाउट सब्सिडीज, फ्रीबीज के बारे में कोई ज़्यादा नहीं यहाँ पे बात किया गया, सब्सिडी के बारे में थोड़ा ज़्यादा बात किया गया है। तो देखिए कई बार ना लोग सब्सिडी में और फ्रीबीज में कन्फ्यूज हो जाते हैं, हालांकि दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन सब्सिडी इज लाइक मोर लेजिटिमेट, और सब्सिडी जब हम लोग देते हैं तो एक्चुअली हम लोग एक्चुअल हेल्प करते हैं, फ्रीबीज में रियल हेल्प नहीं होता है, फ्रीबीज बेसिकली अभी हमें कह सकते हो ना दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग है, सब्सिडी का ऑब्जेक्टिव कभी भी वोट बैंक नहीं है, लेकिन फ्रीबीज का तो एकमात्र ऑब्जेक्टिव ही लगभग आप ये समझ लीजिए ऑलमोस्ट वोट बैंक के लिए ही होता है, तो दोनों में थोड़ा फर्क होता है। तीनों का कहा है कि अभी देखे प्राइम मिनिस्टर जी ने, मोदी जी ने कहा था फ्रीबीज के बारे में, रेवड़ी कल्चर एंड ऑल दैट, तो तब से ये डिबेट शुरू हो गई है। देख जब किसी चीज़ के ऊपर डिबेट होती है तभी सोल्यूशन निकलता है, तो समस्या सोसाइटी में आजकल ये है ना, हम लोग डिबेट ही नहीं करना चाहते किसी चीज़ के ऊपर, तो डिबेट ही नहीं करेंगे तो भैया सोल्यूशन कैसे निकलेगा। तो हर चीज़ को क्वेश्चन करो, जिस चीज़ को सपोर्ट करते हो ना, आपको दिल से अच्छी लगती है, उसको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करो, क्योंकि उसकी कमियां आपके सामने निकल के आएंगी। तो हमारी यूजुअली टेंडेंसी क्या होती है इंसानों की, हम लोग कमियों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन करो एज अ स्टूडेंट, एज अ क्रिटिकल इवेल्युएटर, एज अ एक्टिव सिटीजन, ठीक है, हमें हर चीज़ों क्वेश्चन करने का अधिकार है और क्वेश्चन किया भी जाना चाहिए। तो जब मोदी जी ने कहा भैया रेवड़ी कल्चर नहीं चलेगा तो डिबेट शुरू हो गई, तो लेट्स सी ये डिबेट कहाँ तक जाती है, अभी तक तो लोग मजे लूट रहे हैं इस डिबेट की वजह से, खैर आगे देखते हैं। तो जो डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस करना जरूरी है किसके बीच में, वेलफेयर स्कीम्स के बीच में और इरेशनल फ्रीबीज के बीच में। अब देखिए कहने वाले लोग तो ये कहते हैं कि जो मिड डे मील है वो भी एक फ्रीबी है, कहने वाले तो लोग ये भी कहते हैं
ये जो अंत्योदय अन्न योजना है या जो हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो सारे का सारा एक फ्रीबी है। ठीक है, तो डिबेट करना बहुत जरूरी है। तो क्या फर्क होता है, क्या नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा जो है इन्होंने यहाँ पे बात किया। जैसे हमारी सरकार बहुत सारा एग्रीकल्चर सब्सिडी देती है, हम लोग फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी देते हैं, है ना, और भी बहुत सारी सब्सिडी देते हैं। वैसे ही हम लोग हेल्थ के ऊपर भी सब्सिडी देते हैं, एजुकेशन के ऊपर भी सब्सिडी देते हैं, राइट। और तो क्या इसको हम लोग फ्रीबीज के अंदर डालेंगे, क्या ये हमारे लिए फ्रीबी है या नहीं है, ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो सब्सिडी एक्चुअली होता क्या है, पहले हमें ये समझने की रिक्वायरमेंट है। जो अग्रीमेंट ऑफ सब्सिडीज एंड द काउंटरवेलिंग मेजर ASCM जिसको बोला जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, ये सब्सिडी को डिफाइन करता है। क्या कहता है, कहता है कि कोई भी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जो सरकार की तरफ से दिया जाता है किसको, आम आदमी को, ठीक है, उसे कहते हैं सब्सिडी। अब ये सब्सिडी डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। डायरेक्ट सब्सिडी फंड ऑफ ट्रांसफर, जैसे पेंशन दी जाती है, पेंशन डायरेक्ट ट्रांसफर होता है ना। अनएम्प्लॉयमेंट जो आपको अलाउंस दिया जाता है वो भी डायरेक्ट होती है। किसी को स्कॉलरशिप वगैरह दिया जाता है तो वो भी डायरेक्ट ट्रांसफर पेमेंट होती है ना। तो इस तरह को बोलते हैं, ये भी सब्सिडी का पार्ट होता है। और कुछ सब्सिडी हमारे इनडायरेक्ट तरीके से होती है, जैसे टैक्स के ऊपर आपको छूट दे दिया, तो सरकार आपके खाते में डायरेक्ट पैसा नहीं डलवाती, आपको छूट देती है, तो वो एक इनडायरेक्ट सब्सिडी यहाँ पे हो सकती है। बेसिकली क्या है, अगर सरकार आपको सब्सिडी नहीं देती, मान लो टैक्स पे सब्सिडी नहीं देती, ठीक है, तो वो पैसा सरकार कलेक्ट कर सकती थी। तो सब्सिडी आप ये भी कह सकते हो, सब्सिडी इज दैट गवर्नमेंट रिवेन्यू विच इज लॉस्ट। अगर सरकार ये आपको नहीं देती तो सरकार उसको कलेक्ट कर सकती थी, तो ये लॉस्ट रिवेन्यू होता है सरकार का जब वो सब्सिडी दी जाती है। तो सब्सिडी कैन ऑल्सो बी एनी फॉर्म ऑफ इनकम और प्राइस सपोर्ट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट। जैसे सिलेंडर के ऊपर आपको सब्सिडी दी जाती है तो सरकार आपको सपोर्ट ही कर रही है ना, जैसे मनरेगा है, ठीक है, तो सरकार आपको इनकम जनरेट करके दे रही है एक तरह से। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस होल वेलफेयर थिंग, ठीक है। अब कई बार डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, जो कई बार नहीं भी होता, जैसे टैक्सेस वगैरह केस में वो इनडायरेक्ट होता है ना, आपको छूट दे दी जाती है टैक्स वगैरह के अंदर कुछ ना कुछ करके, है ना, वो सब चीजें हैं। तो ये जो सब्सिडी वगैरह सरकार के द्वारा दी जाते हैं हमारे बजट का इंटीग्रल पार्ट है। 2006-2007 के बाद से, तब से जब से सरकार बजट लेके आती है, तो उसमें सरकार ये बताती है पार्लियामेंट के अंदर कई साल हम लोगों ने कितना सब्सिडी दिया, इस साल हम लोगों ने कितना टैक्स रिबेट दिया, ठीक है। सरकार एक्चुअली में बताती है कि अगर सरकार ये चीजें ना देती तो इतना कलेक्शन सरकार का एक्स्ट्रा हो सकता था, लेकिन देना पड़ता है क्योंकि हम तो वेलफेयर स्टेट हैं, जनता को बेनिफिट नहीं दोगे तो सरकार का फायदा क्या हुआ। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जो ओपन इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, उनका यह कहना है कि जो एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन जो सब्सिडी दी जाती है वो फालतू है, वो वेस्टेज ऑफ सोर्स है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। देखिए, सरकार ने भी क्या किया, पिछले साल जो कोऑपरेटिव जो जो है कॉरपोरेट टैक्स था ना, उसको सरकार ने 8 से 10% डिक्रीज कर दिया। टाटा बिरला अंबानी को जो टैक्स लगता था वो कम कर दिया सरकार ने, उसके अपने रीजन थे, कभी बाद में बात करेंगे। बट यस भाई, उनको तो आप डिस्काउंट दे रहे हो। एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन में जो सब्सिडी दी जा रही है, जो थोड़ी बहुत हेल्प दी जा रही है, इसको आप कह रहे हो वेस्टफुल रिसोर्स, इसको आप फ्री भी कह रहे हो, ये कहाँ का आर्गुमेंट है? इट इज नॉट गुड आर्गुमेंट। तो जो मार्केट फंडामेंटलिस्ट हैं उनका ये आर्गुमेंट बिल्कुल फ्लोड है, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में जहां पे लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी हम लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते भी नहीं है। अब भाई, पब्लिक एक्सपेंडिचर हमारा हेल्थ वाला जो होता है, हार्डली अपनी GDP का हम लोग 1.5% करते हैं, जबकि आप डेवलप्ड कंट्री में चले जाइए वो लोग जो है 3-4-5% जो है अपने हेल्थ के ऊपर खर्चा करते हैं, तो हम लोग खर्चा करते ही नहीं है। आप चाहे एग्रीकल्चर में भी देख लो, एग्रीकल्चर में भी मोस्टली कंट्रीज में इंडिया से ज्यादा हेल्प दी जाती है। तो पहले ही इंडिया में कम हेल्प मिलती है, उसके ऊपर से जो थोड़ी बहुत चिल्लर मिल रही है, आप कह रहे हो कि ये भी फालतू है, ये तो ठीक नहीं है ना यार। फिर सरकार ने जो है फार्म लॉ भी लेके आ गई, उसके लिए अलग से डिबेट जो है आप देख ही रहे हो। तो किसानों को जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। आप खुद देख लीजिए, हमारा जो एग्रीकल्चर है हमारे GDP में कितना परसेंट ही पार्टिसिपेट करता है, बहुत ज्यादा नहीं करता है, जबकि कितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, करता है कि नहीं करता है? अब ये देखिए, यहाँ पे एक किसान है, एक्चुअली मैं ही हूँ। तो लास्ट वीक घर गया हुआ था, खेत में थोड़ा काम कर रहा था, तो जो है पिक्चर क्लिक कर ली किसी ने मेरी, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। तो एक्चुअली मैं ही हूँ, तो मेरे जैसे
मेरे जैसे तो नहीं, मतलब जो प्रॉपर किसान है जैसे मेरे फादर साहब हैं, ठीक है, तो इन किसानों को सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो जितनी सपोर्ट सरकार से ऑलरेडी मिलती है सब्सिडी के रूप में वो कम है, और ज्यादा सपोर्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकार का फोकस कहाँ है, सरकार का फोकस कैसे प्राइवेट प्लेयर के ऊपर, प्राइवेट प्लेयर के ऊपर। अब हेल्थ और एजुकेशन में अगर सरकार काम नहीं करेगी तो कौन काम करेगा, प्राइवेट सेक्टर काम करेगा ना, प्राइवेट हॉस्पिटल खुलेंगे, प्राइवेट कॉलेज खुलेंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुलेंगे, आपके ऊपर जो है हजारों करोड़ रुपए की फीस लगाएंगे, फायदा किसको है, प्राइवेट सेक्टर को फायदा है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है, जो मार्केट फंडामेंटलिस्ट हैं वो प्राइवेट सेक्टर को हमेशा सपोर्ट करते हैं, उनका कहना है कि सरकार को इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, ये सब प्राइवेट हाथों में छोड़ देना चाहिए। तो फ्रीबीज आप जिस चीज़ को बोलते हो वो आपके लिए वेलफेयर भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप कैसी पोजीशन में बैठे हुए हो। जिस चीज़ को आप सब्सिडी बोलते हो कुछ लोग इसको फ्रीबीज भी बोल सकते हैं, जिस चीज़ को आप सब्सिडी बोलते हो कुछ लोग इसको वेलफेयर मेजर भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोलिए, लेकिन चीज़ें जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करनी चाहिए, सरकार को हमेशा पब्लिक, लार्जर पब्लिक के लिए जो है वहाँ पे काम करना चाहिए, ठीक है। तो बस वही इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है, बहुत ज़बरदस्त और ख़ास आर्गुमेंट इसके अंदर दिए नहीं थे, वो एक बलक बात है, बट ठीक है जो भी इन्होंने बोला है। मसला कुछ एडिशनल आर्टिकल हमारे पास, आप क्लियरली इसको देख सकते हो, ठीक है। इंडिया बांग्लादेश एक रिवर डिस्प्यूट के बारे में थोड़ा यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक एक्स्ट्रा कंटेंट मैंने आपके लिए यहाँ पे डाल दिया है, इंडिया बांग्लादेश और तीस्ता रिवर वगैरह के बारे में, थोड़ा आप इसको जाके सेल्फ स्टडी के हिसाब से पढ़ सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही था, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।